जय श्री जाहरवीर गोगा जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ लाल बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक करें और गोगा जी का गुणगान सबसे पहले सुनिए। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवानों, छोटे छोटे बच्चों, सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये गुगा जाहरवीर की अमर कथा है। इसके सुनने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। बागर की लड़ाई का तीसरा भाग। फरियाद सीरियल की सुनाने को जा रहे हैं, जिसके हमनवा संजीव कुमार, पासीराम, दिलबाग अली, गायक बलजीत एंड पार्टी बिजौली के रहने वाले आपके कदमों में खड़े हैं। गुस्ताखी माफ करना, सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं तो सभी का बच्चा हूं, यही दुआ करता हूं कि आपके कदमों में लगता ही चला जाऊंगा। हाँ, शुक्र मेरे मालिक तेरे।
तेरा रे जोड़ा वे सजगी थी सवारी रंगली मैं फल के बजाड़ा मेरे बंधु खड़े जी वाले अरे करदारी मेरे बंधु खड़े जी वाले सबल सिंह देवता दोस्तों अब सोना सीरियल कहते हैं कि हे जिया कार बुला दे डोला कसवा दे मेरे प्यो क्या कैप्चा दे क्योंकि इस महल में मैं अबरांड हो चुकी हूँ। माता बाशल कहते हैं कि बेटा सीरियल अब तो अपनी जिंदगी आपने यहाँ इसी तरीके से वसर करनी पड़ेगी। आपके प्यो का मैं नहीं जान दूंगी। सीरियल रंगला सा चरखा अपने महल में डाल ले। यदि आपकी तबीयत ना लगा तो वो रंगला सा चरखा कातरन लग जिए। अब आप जा नहीं सकते हैं तो प्यारे भक्तों सोना सीरियल रांड हो जाती है महल के बीच में। ऐसे ही समा चलते चलते बहुत सा समा गुजर जाता है। एक रोज पूर्व दिशा से इंद महाराज की बदली एक चढ़कर आई है। ब्रह्मा बिजल ने लसाका मारा है। मीठी मीठी बूंदा गर्दरेवा शहर में पड़नी शुरू हो जाती है। जब मीठी मीठी बूंदा गर्दरेवा शहर में पड़नी शुरू हुई है सोना सीरियल हाथ जोड़ के ब्रह्मा बिजल को कहती है कि बहन बिजल आप तीनों खूंटा में आप कहीं भी बढ़ सकते हैं। ये जो मेरा महल है ये जो मेरा शहर है आप इसमें मत बरसिएगा। क्यों अब क्या तो सोना सीरियल कहती है और क्या वो ब्रह्मा बिजल सुनती है भाई पर हाए दोयो दोयो ए जेठ मेरी ए बहन मेरे अरे ऐसे मरे ते मरे हाए दोयो दोयो जेठ मेरी ए बहन हाए ऐसे भी हारी जैसे थे गुलाब जी थे अरे मेरी बहन भी जड़ आए तीसरा ये साजन मेरा मेरा हारी चालिया भी गया था ये तीसरा साजन बहन मेरे चालिया भी गया था आए मुड़काना कहता हूँ
सेवा करी मेरे दानी तो दोस्तों कौन अब सोना सीरियल ने कहा है कि बहन मेरे देश में मत बरसिएगा क्योंकि दो जेठ मेरे ऐसे मरे थे जैसे गुलाब जी के फूल हों तीसरे पति परमेश्वर मेरे छोड़कर मेरे को महल में यहां से चले गए हे ब्रह्मा बीजल मैं अपने महल में रांड हूँ जब इस शहर में इस महल में शोक हो लिया जाएगा फिर आप बरस सकते हैं। ब्रह्मा बीजल ने कहा है कि बहन एक बात बताओ आपके जेठ तेरे सामने मरे हैं कि हाँ मेरे सामने उनके सर मेरे जेठों के सर मेरे पति परमेश्वर महल में ले आए थे कि आपके पति परमेश्वर कि वो मेरे सामने यहाँ से चले गए जाने भगवान वो जिंदा है या वो कहीं मर चुके हैं। ब्रह्मा बीजल कहते हैं कि बीबी आपके पति परमेश्वर वो मरे नहीं है वो जिंदा है। देखिएगा दोस्तों मेरे प्यारे भक्तों भाइयों बुजुर्गों मैं अपनी माता और बहनों से भी ये गुजारिश करता हूं कि ये शब्द शास्त्र में भी लिखे हैं पति परमेश्वर औरत के वास्ता शब्दों दीवारे लिखा है कवियों ने कि पति की पूजा सबसे ऊंची होती है पति परमेश्वर कहती है कि ब्रह्मा बीजल सोना सीरियल को समझाती है कि सीरियल आपके पति परमेश्वर वो मरे नहीं हैं वो जिंदा हैं वो धौलादे धरती में समा चुके हैं वो गरीब नवाज ख्वाजा मेहनदीन चिश्ती दिन में तो उसके पास रहते हैं और रात्रि के समय वो धौलादे धरती के पास आ जाते हैं। देखिएगा कुछ मैं गुस्ताखी माफ करना थोड़े सब सुनाता हूँ। ख्वाजा आप बसो अजमेर में मेरी उम्र बीत गई कलियर में ख्वाजा आप बसो अजमेर में मेरी उम्र बीत गई कलियर में ख्वाजा आप बसो अजमेर में मेरी उम्र बीत गई कलियर में ख्वाजा आप बसो अजमेर में मेरी को ले आ जाना संग में दोस पिया को ले आ जाना ख्वाजा आप बसो अजमेर में मेरी उम्र बीत गई कलियर में ख्वाजा आप बसो अजमेर में मेरी उम्र बीत गई कलियर में ख्वाजा आप बसो अजमेर में मेरी उम्र बीत गई कलियर में ख्वाजा गौ से पिया पे कभी आ जाना ख्वाजा गौ से पिया पे कभी आ जाना ख्वाजा सिधौरे में भी कभी आ जाना ख्वाजा सिधौरे में भी कभी आ जाना संग में गौ से पिया को ले आ जाना संग में गौ से पिया को ले आ जाना ख्वाजा आप बसो अजमेर मेरी उम्र बीत गई कलियर में ख्वाजा आप बसो अजमेर में मेरी उम्र बीत गई कलियर में। हाँ तो दोस्तों कौन अब ब्रह्मा बीजल कहती है कि बहन आपके पति परमेश्वर जिंदा है आप ऐसा काम करो पांच राग अपने महल में भगवान के नाम के जगाओ एक सोने की दरगाह छोटी सी
भगवान के नाम की बनाओ, पांच ही चिरागों में पांच लाल डाल लो और तुलसा की माला अपने हाथ में ले लो। श्रीजान अपने सर के खेस खोलकर जहां तेरे पति परमेश्वर जिस सेज के ऊपर सोया कराते, अपने बालों का झाड़ू उस सेज को दो। सीरियल ले का मखमल की पंखी, उस सेज को ऐसे हवा झोलो ये समझकर कि गुगा जी महाराज मेरे पति परमेश्वर इस सेज पर यहाँ सोए हुए हैं। गड़ में पल्लू पाओ, मुंह में तीन लेकर भगवान के यहाँ फरियाद लगाओ। सीरियल ऐसा हो सकता है कुछ चंद रोज में आपके पति परमेश्वर आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, प्यारे भक्तों, भाइयों, बुजुर्गों, सोना सीरियल एक सोने की दरगाह अपने महल में बनवा लेती है। पांच चिराग भगवान के नाम के जगा देती है, पांची में पांच लाल पा लेती है, तुलसा की माला अपने हाथों में ले लेती है, सुनिशेष दुर्गा जी महाराज की झाड़ कर बसा देती है, मखमल की पंखी लेकर शेज को हवा झोलती है। सोना सीरियल क्या सोचती है, भगवान है मेरे बोल दे प्राणी, कभी वो भी दिन आएगा क्या मेरे पति परमेश्वर मेरे को अपनी शक्ल दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। हे भगवान, है भी तो ही होगा भी तो ही। हे भगवान, हे कृष्ण जी, ते सदामे भगत की राखी लाज, जिसने वन में झुंगी बांधी, गन का चली थी बमान से कटली जम की फंदी, द्रौपदी के तारे ते चीर सभा में होनी दी थी नंगी, भगवान मेरी लाज को राखों में था की थी बंदी। तो दोस्तों, अब सोना सीरियल हाथ जोड़कर भगवान के यहाँ फरियाद लगाती है। ऐसे ही फरियाद लगाने लगाने कौन सा समय याद आ जाता है, सीरियल के कलेजे के ऊपर कौन सी चोट लगती है कि ही भगवान, एक दिन वो भी था मेरे पति परमेश्वर मेरे को सादिर चाकर यहाँ ले आए थे, कौन सा समय था। हाँ जी कंगना बिना मैं खेली बालम से, हारे छटिया ना खेले जे खेले, ओ कंगना बिना खेली बालम से, हारे छटिया ना खेले जे खेले, हारे करी ना महल मा बालम से, साजन मेरे अरे सरने बराचा बराचा, अरे मेरी माने रजरे जे दोनो, मेरे नारे अरे चिड़ी भी ओ चरुंगे काना, जोड़ा भी बनाया बनाया, आहो जी
प्यारे भक्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अब ये सुना जाता है कि किसने सोना श्रीजल ने पांच राग भगवान के नाम के गाया, पांची में लाल पाए हैं, तुलसा की माला हाथ में ले लेते हैं, भगवान के यहाँ फरियाद लगाती है कि भगवान सारी के मालिक, तने चिड़ी चुड़ुंगे का जोड़ा मिलाया है, मेरा बंदी का क्यों छोड़ दिया, हे भगवान या तो मेरी जोड़ी को मिला दे और नहीं वरना इस दुनिया से मेरे को बिठा ले। हाय मेरे साजन, मेरे साजन, हाय मेरे साजन, मन दर्शन जानू दे दे अजी महाराज, आज साजन तेरी बात सुनाए क्यों। सोना सीएल कहते कि हे भगवान, यदि कहीं मेरे पति परमेश्वर हो, मेरी आवाज को वो सुनते हो, मैं तो यही कहती हूँ, अजी तने मैं कह के बात सुनाए दूं, आज तेरे दिल का भर में मटाए दूं, एक तेरे दिल का भर में मटाए दूं, ओ मेरे साजन है, आज तेरे दिल का बबर में मटाए दूं, हाय मेरे बालम, आज मन दर्शन जानू दे दे ते महाराज, फिर नहीं चला। हाँ बोला सीरियल के समझावा सुन ले नारायण बात मेरे, हाय मेरे नारायण, मेरे साजन मलाय दे, अरे जानू आज कौन सोना सीरियल कहते हैं कि हे भगवान सारी के मालिक, मेरे साजन को मिलाओ और वरना इस दुनिया के बीच में से मेरे को बिठा लो। अब क्या तो सोना सीरियल कहती है और किस तरीके से फरियाद लगाती है भाई पर, अरे क्यों नहीं डटे दादा, क्यों नहीं डटे दादा, नैनों से चल गया दानीर, छेड़िया घोड़ा मेरे पीरन, छेड़िया था घोड़ा मेरे
जयकारा महाराजा। ओ विश्वनाथ ने मनाय लिया था मेरा राणा जी, विश्वनाथ ने मनाय लिया था मेरा राणा जी। कोई क्या था जय जय कार, समैया फेर मैं गया था मैं भलमाजे, बलजीत समैये ने मना लिया था मेरा राणा जी। पार्टी ने बोलिया जय जयकार, ओ छेड़िया घोड़ा मेरे पीड़ने रखायली माता जी, छेड़िया था घोड़ा मेरे पीड़ने रखायली माता जी, रखायली सीरियल की दुआ भगवान की दरगाह में लग जाती है, भगवान का सिंहासन ढोल जाता है, देवताओं के इंसाफ बंद हो जाते हैं। भगवान ने नारद मुनि को कहा है कि जाओ मृत्यु लोक में चले जाओ, ये देख कर आओ ऐसा कौन सा भक्त है, ऐसा कौन सा ऋषि है जिसने ऐसी फरियाद लगाई है जिससे मेरा सिंहासन भी ढोल चुका है। अब नारद मुनि घूमते फिरते कहा गढ़देवा शहर में देखा है, देखा ना सीरियल की फरियाद लगी है, देख का सोना सीरियल के हाल को। नारद मुनि ने भगवान के यहाँ सारा हवाला सारी हकीकत भगवान को सुनाई है कि हे महाराज, वो कौरव देश की सुहानी राजे संतपाल की बेटी सोना सीरियल जिसका नाम है, उसके पति परमेश्वर धरती में समा चुके हैं, उसके पति परमेश्वर को मिलाओ, यदि नहीं मिलाएंगे तो आपकी दरगाह फट जाएगी। अब भगवान छड़िया को बुलाता है, हुक्म देता है कि जाओ धौला दे धरती के पास से गुगा जी को मेरे पास ले आओ। अब छड़िये धौला दे धरती के पास पहुंच जाते हैं, धौला दे धरती के पास गुगा महाराज बुलाया है। गुगा महाराज जी को कहते हैं कि हे गुगा जी, आपको भगवान ने बुलाया है। गुगा जी कहते हैं कि मैं कोई अच्छा काम तो नहीं करा, मैंने तो सात खशोना दल अपनी तलवार के पीपले के नीचे को निकाले हैं, उसने मेरे को कैसे बुलाया? कि नहीं, आपको अवश्य ही बुलाया है। अब छड़िए चलते हैं साफ साफ भगवान की जोत, भगवान की जोत के जोत, गुगा महाराज की जोत मिल जाती है भगवान के कदमों में, भगवान के कदमों में गुगा महाराज की जोत पहुंचती है। छड़िए गुगा महाराज जी भगवान की दरगाह में पहुंच जाते हैं। अब क्या तो कहता है भगवान और क्या वो गुगा महाराज जी सुनते हैं भाई पर।